बाहर से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, तो इनसे कुछ हरियाणवी भी हम बुलवाएंगे। गार्ड देंगे। राम 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 राम। अच्छा अच्छा अच्छा, और राम राम जी बोलते हैं जी। दोबारा आप बोलिए। राम राम जी। राम राम, नमस्ते। अच्छा, कैसे हो? यस, दैट्स ऑल। पानी, चाय चाय पानी। चाय चाय पानी भी ये बोल देते हैं। यहाँ पर जो जीती हुई टीम है, मुंबई की टीम है, हम उनसे अभी बातचीत करेंगे किस तरीके का कुछ कहना है जीती हुई टीम का। तो हम बात करेंगे, अभी प्लेयर हमारे साथ मौजूद हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, और लाइव आपने खेल जो है वो भी देखा है। तो हम बात कर रहे हैं अभी जी, क्या नाम है? ऋषभ भारद्वाज। हाँ जी, ऋषभ भारद्वाज। कहाँ से आप? मुंबई। मुंबई से। और पुंडरी में यहाँ पर खेल आयोजन किया गया है, क्या कुछ कहेंगे और कैसा आपका प्रदर्शन रहा? सारा कुछ अच्छा हुआ है, मेरे सारे टीममेट सारा कुछ मतलब अच्छा खेले हैं, टीम सपोर्ट है, मतलब उनका ये नहीं है कि वो बाहर से आए, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगी कि आप जीत चुके हैं। थैंक यू जी। हाँ, तो ये सारा ऐसा कुछ नहीं है कि लैंग्वेज बैरियर है, कुछ भी नहीं है, ऐसा अच्छा खेल रहे सब। तो मतलब सुनने भी आया था कि आपकी टीम में कुछ प्लेयर है वो बाहर से भी हैं। हाँ जी, फर्स्ट वन इज दिस यूसुफ, यूसुफ जॉर्डन जी, माइकल माइकल, एंड वन इज मार्शल। वेयर इज मार्शल? ए मार्शल। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई दूंगी, और यहाँ पर कोच है उनसे भी हम बात करेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर आपकी टीम के बारे में? मैम, कहना क्या है कि इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए आए हैं हम लोग इतनी दूर से, और हमारी टीम अच्छा प्रदर्शन कर रही है। दो मैच हमारे हैं, हम दोनों में अच्छे स्कोर, तीन तीन स्कोर के खेल रहे हैं। टीम अच्छे खेल रही है, अच्छा प्रदर्शन चल रहा है। कोशिश यही है कि हम फर्स्ट यहाँ से जीत के जाएँ, ट्रॉफी के साथ साथ लोगों का दिल भी जीत के जाएँ, हमारा यही आशा है। बहुत प्यार मिल रहा है यहाँ से, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ खेल के, और अच्छा खाने पीने का सब कुछ अच्छा रहे। तो आगे टीम का विजन क्या रहेगा? विजन मैम यही है कि बस अभी नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल से आगे बढ़ना है बस खाली। एक लैंग्वेज बैरियर की हम बात करें तो जैसे अलग अलग जगह जाते हैं, वहाँ पे लैंग्वेज काफी ज्यादा मैटर करती है कि आप किस तरीके से। मेन ये है कि स्पोर्ट्स की अलग ही लैंग्वेज होती है, उसमें कोई अलग लैंग्वेज नहीं है, ये स्पोर्ट्स की लैंग्वेज है तो हम उसी में बात करते हैं। इसमें ये मैटर नहीं करता कि कोई हरियाणा से है, कोई पंजाब से, कोई अफ्रीका से, ये कुछ ज्यादा मैटर नहीं करता। फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी थैंक गॉड फॉर द विक्ट्री, बिकॉज दिस व्हाट वी वांट एंड वी प्रे फॉर हार्ड फॉर इट, एंड श्योरली वी हैव गेट इट, सो वी थैंक गॉड फॉर दैट। सो वी आर वेटिंग फॉर द नेक्स्ट मैच। एक कहते हैं ना, बाहर से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, तो इनसे कुछ हरियाणवी भी हम बुलवाएंगे। तो हरियाणा में आप लोग आए हैं, आज जहां पर आप हो वो हरियाणा है, तो कुछ हरियाणवी शब्द क्या आप जानते हैं? एक बार आप इन्हें ब्रीफ कर। नो नो नो, राम 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 राम। अच्छा 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 अच्छा, और राम राम जी बोलते हैं जी। दोबारा आप बोलिए। राम राम जी। राम राम, नमस्ते। अच्छा, कैसे हो? यस, दैट्स ऑल। पानी, चाय चाय पानी। चाय चाय पानी भी ये बोल देते हैं यहाँ पर। हाँ जी, तो और भी बहुत सारे वर्ड है, जैसे लठ गाड़ गाने। लठ तो आप लोगों ने गाड़ी दिया है यहाँ पर। ऑलरेडी विन। लठ गाड़ देंगे, दोबारा बोलना। या, वी ऑलरेडी विन, सो नेक्स्ट टाइम लठ गाड़ देंगे। गाड़ जान लिया। इन्होंने मुंबई से आकर पुंडरी में लठ गाड़ दिया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं विनिंग टीम के साथ अभी हम मौजूद हैं, और बाहर से भी यहाँ पर खेल अपने खेल को बढ़ावा, मतलब मैं बात करूँ सर आपसे, फुटबॉल के कोच हैं आप, और इसके अलावा जो बच्चे हैं, युवा है, और वो प्रोत्साहित नहीं हो पाते, ठीक है, और नशे की तरफ है या फिर फोन की तरफ ज्यादा घुसे रहते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए और ऐसे युवाओं के लिए आप क्या कहेंगे? मैम यही है कि थोड़ा सा फैमिली को भी उन पे ध्यान देना चाहिए, आजकल की जो भी है युवा है या फिर बच्चे हैं, वो ज्यादातर फोन या टेक्नोलॉजी की तरफ ज्यादा भाग रहे हैं,
मीन्स मोबाइल्स गेम की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं, इधर ग्राउंड में आने का नहीं आ रहे इतने। यहाँ इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ के बच्चे और भी आगे बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा आए, और सभी को खेलना चाहिए। ज़्यादा नहीं तो एक घंटा आधा घंटा देना चाहिए, शाम का टाइम, सुबह के टाइम, जितना भी हो, तभी हम स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ रहेंगे तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो 7 दिन का ये खेल का आयोजन है, तो 7ों दिन आप यहीं हैं, क्या कहेंगे? मैम हम 7 नहीं 8 दिन रहना चाहते हैं यहाँ कि हम चाहते हैं कि हम फाइनल जीते, उसके बाद यहाँ एक दिन हम अच्छा रह के अपना एंजॉय करें, बिल्कुल घूम के, और इन लोगों को भी दिखा के, हमारे कहते हैं ना अतिथि देवो भव, तो खातिरदारी भी बहुत की। राम राम भी आप लोगों ने सुनी, और लठ तो इन्होंने काट ही दिया है यहाँ पर। तो विनिंग टीम हमारे साथ मौजूद थी, और जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे वैसे 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 हम इन लोगों से, इन प्लेयर से आप लोगों को रूबरू जो है वो हम करवाते रहेंगे। तो अभी के लिए दीजिए मुझे इजाजत। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो स्टेडियम है काफी खचाखच यहाँ पर भरा हुआ है। अगली टीम जब भी यहाँ पर आएगी प्रदर्शन के लिए, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी लाइव। जुड़े रहिए कैथल ब्रेकिंग टीवी के साथ, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोगों ने अभी युगांडा, नाइजीरिया और गाना की राम राम तो ले ली है, और उन्होंने यहाँ पर आकर लठ बिगाड़ दिया है। तो हर रोज मैं आप लोगों से मिलवाऊंगी ऐसे ही प्लेयर से, और बात भी हम करेंगे उन्हीं लोगों से, उन्हीं प्लेयर से। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं इंडोर आउटडोर स्टेडियम में यहाँ पर दर्शक भी मौजूद है, काफ़ी खचाखच यहाँ पर भरा हुआ है, माहौल भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पर, और टीमों का जो मुकाबला है वो काफ़ी रोमांचक तरीके से, और मनोबल भी यहाँ पर दर्शकों द्वारा जो है वो यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर कीजिए, और अगली टीम जैसे यहाँ पर मैदान में आएगी मुकाबले के लिए, तो हम लाइव आकर आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, मैं ऋचा धीमान, देखते रहिए कैथल ब्रेकिंग टीवी।